अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। वैसे बताएं, कल जिस तरह से गजरा के क्षेत्र में एक विवादित मामला रास्ते का सामने आया था, जिस पर सभी लोगों ने, वहाँ पर धरने पर भी बैठे थे रहवासी लोग, और घरों के बाहर बैनर पोस्टर भी लगा दिए गए थे मकान बेचने को लेकर, क्या कुछ उसमें निर्णय निकला? देर रात लोगों ने पोस्टर भी हटा लिए वहाँ के लोगों ने, क्या पूरी मामला था और क्या निष्कर्ष निकला उसका? पिछले दो दिन से रास्ते को लेकर यहाँ पर एक विवाद अचानक सामने आया है, और चूंकि अचानक ये सब बातें आई है और क्षेत्रवासियों को कई बातें अभी तक संज्ञान में नहीं थी, इसलिए आम जनता ने विरोध किया था। मैं वहाँ पर उपस्थित हुआ था और बातों को उनकी भी सुना था और उनकी बातों को प्रशासन तक भी पहुँचाया था कि ऐसे प्रकार की स्थितियों में क्या हो सकता है। प्रशासन ने सहयोग करते हुए, प्रशासन ने आम जनता की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुना है, समझा है, और चूँकि देवास एक शांतिप्रिय जगह है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव नहीं बिगड़े, इसी बात को लेते हुए, चूँकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और इसलिए मेरी भी दायित्व बनता है कि इन सब बातों पर गंभीरता रखी जाए और समन्वय बनाया जाए, इसलिए आम जनता को वहाँ पर समझाइश दी गई है और बाकी सब लोगों ने आपस में चिंतन मनन किया है। अभी ऐसी कोई स्थिति तनावपूर्ण यहाँ पर नहीं है। कल जरूर कुछ स्थितियाँ ऐसी रही थी, उसके बाद में प्रशासन को सब बातें अवगत कराई है, इसलिए वर्तमान में अभी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि कोई तनाव हो। जहाँ तक पोस्टर की आपने बात की है, वो क्षेत्रवासियों ने पोस्टर लगाए थे, कल उन सभी से उन बातों को भी चिंतन मनन विचार विमर्श हुआ, उसके बाद आम जनता ने अपनी सहमति देते हुए स्वेच्छा से वो पोस्टर हटा दिए। ना तो उन पर लगाने का कोई दबाव था और ना ही निकालने पे कोई दबाव था, उन्होंने स्वतः ही लगाए थे और स्वतः ही निकाल लिए। अभी क्या कुछ वैकल्पिक रास्ता वहाँ का निकला जिस रास्ते का विवाद हुआ था? देखिए, भूमि का विवाद है और कोई भी भूमि संबंधी विवाद तत्काल निर्णय की स्थिति में नहीं रहते। प्रशासन उस पर सभी पहलुओं पर सोचेगा और हमारा ऐसा मानना है कि प्रशासन जो भी निर्णय लेगा एक अच्छा निर्णय लेगा, और देवास के प्रशासन ने अभी तक अपनी जितनी भी जवाबदारी निभाई है बहुत संजीदा होकर अपनी जवाबदारी को निभाई। आपके परिचय? शीतल गहलोत, पार्षद वार्ड क्रमांक 30। सर, ये जो थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गजरगिया रोड पर कब्रिस्तान है और शमशान है, ये इससे ये जो मामला है वर्तमान में सब्जुडाइज है, न्यायालय में ये मामला चल रहा है और इसी को लेके जो है अभी वर्तमान में इस परिसर आसपास के क्षेत्रों में डीएम महोदय द्वारा धारा 140/144 आदेश जारी किया गया है और इसी तारतम्य में जो है वो पुलिस बल भी लगाया गया है। चूँकि फ्रंट गेट्स और पिछले गेट से अभी वर्तमान में जो है वो प्रवेश निषेध है और इस संबंध में एसडीएम महोदय द्वारा कल एक अनुमति जारी की गई और उस अनुमति में जो इसी परिसर में मस्जिद, जो गजरगियर रोड पे मस्जिद स्थित है, उसका अंदर का गेट इस परिसर में खुलता है तो उस रास्ते से अंदर जाने की अनुमति दी गई है। तो वर्तमान में स्थिति सामान्य है। कल पोस्टर भी लगाए गए थे, निकाल लिए गए। वो बेसिकली जो पिछला वाला कब्रिस्तान का रास्ता है और वहाँ पर लोगों को ऐसी, अगल बगल के रहवासियों को ऐसी आशंका थी कि कहीं वहाँ से तो रास्ता नहीं दिया जा रहा है या उनके घर तो नहीं हटाए जा रहे, इस प्रकार की कोई भी कार्रवाई ना पुलिस द्वारा की गई ना प्रशासन द्वारा की गई,
स्वयं संतुष्ट थे और उनके द्वारा पोस्टर भी हटा लिए गए और इस संबंध में उनके द्वारा वक्तव्य भी दिए गए। वैकल्पिक रास्ते का जो कल विषय था वो अब उसको पूर्णतः खत्म हो गया है वर्तमान में, और वो विकल्प एक वैकल्पिक रास्ता जो है वो दोनों पक्षों की सहमति से रास्ता सुझाया था, लेकिन चूंकि दूसरे पक्ष को उसकी बहुत उपयोगिता नहीं लगी क्योंकि ऑलरेडी एक रास्ता मस्जिद के अंदर से है, तो फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया गया।